चालान तो मैंने बहुत पहले फिल्म में लगाती थी नसीर साहब के साथ द वॉलेट, और डॉक्यूमेंट्री मैंने एक ही बनाई. ये मेरी पहली टेक्निकली पहली फीचर फिल्म है जिसमें मैंने बहुत मेहनत करी है, और आज काफ़ी समय बाद एक फिल्म रिलीज़ हो रही है Z5 पे, और सभी एक्टर, सभी टेक्नीशियन, सभी HODs, संजय सर, यहाँ की जो हमारे प्रोड्यूसर साहब जो थे अजय कुमार गुप्ता जी वो अब नहीं रहे, मेरी माँ और ऋतुराज जी, सबका सपोर्ट है, सबका आशीर्वाद, सबका प्यार है, आप लोग का भी है, मीडिया का भी है, रितेश जी का स्पेशली है, बस मेहनत है. आप लोग देखिए, बताइए रंग लाए कि नहीं. जी जी अच्छा, मुझे लगा मैं ऑलरेडी हूँ. पता नहीं सर, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ, अब लोगों को पसंद आएगी तो अच्छी बात है, नहीं आएगी तो फिर कोशिश करूँगा. संजय सर का मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. वो एक मतलब बाकी भी हैं लोग, बट संजय सर हमेशा सपोर्ट किया है, देख लिया है, और कोशिश भी करी है कि फिल्म एक अच्छी जगह जाए, अच्छे लोगों के पास पहुँचे और लोग देखें, एंड लाइक बड़े भाई जैसे उन्होंने मेरी हेल्प करी. यार टर्न्स एंड ट्विस्ट है फिल्म में, और कमर्शियल फिल्म है, और मर्डर मिस्ट्री है कि एल्बर्ट पिंटो को किसने मारा, तो देखिए कि उसी घर में, एक ही घर में इतने लोग हैं जो सस्पेक्ट्स हैं, लेकिन हम बता नहीं सकते कौन. तो प्लीज़ Z5 पे 31 मई को फिल्म देखिए आप लोग. थैंक यू. ये सब सस्पेक्ट है, सबको पकड़ने आया हूँ मैं, अभी पता चल जाएगा दो घंटे में कि कौन है, खूनी कौन है. No, it's been very nice, and it's all because of him. Because unfortunately, this picture got a little stuck for few months because the producer passed away. But thanks to the director, his passion for the film and to release it, today we are seeing this day. So I'm very, very happy. Well, as an actor, when you do a film, you give your best shot, and you just hope. कि जैसी हाल ही में मेरी मर्डर मुबारक लगी या मेरी क्रिसमस लगी, आई एम श्योर के पीपल विल लाइक माय वर्क इन दिस एंड दे लाइक द फिल्म आल्सो. वेल प्रिपरेशन, या इट्स वाज इंटरेस्टिंग टू बी ऑन द अदर साइड. मर्डर मुबारक में मैं सस्पेक्ट था, यहाँ पे मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ, तो समथिंग डिफरेंट टू डू. Right now, it's only about House of Lights. मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मैंने इस, मेरा नाम गिरीश शर्मा है, मैंने इस फिल्म में ना केवल एक अभिनेता की तरह काम किया है बस, और इस फिल्म का मैंने जो थीम सॉन्ग है वो गाया है, लिखा है, कंपोज किया. मैं एक एक्टर हूँ और सिंगर सॉन्ग राइटर हूँ, और एक आर्टिस्ट के लिए एक ऐसा बैनर मिलना और जहाँ पर वो अपने सारे टैलेंट शोकेस कर सकता है, तो आई वुड से इट्स अ ड्रीम कम ट्रू. वो कहते हैं कि एक ज़िंदगी सपने की तरह होती है, और सपनों की एक हकीकत है कि वो सच हो जाते हैं. तो आई एम सो ग्लैड कि मेरा ये सपना सच हो रहा है, एंड इट्स एन ऑनर टू वर्क विद संजय कपूर सर. एंड सौमित्र मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उनके साथ मैंने काफ़ी और प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, एंड होप फॉर द बेस्ट. आई एम श्योर आप लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी. थैंक यू सो मच. इस फिल्म का एक ही थीम सॉन्ग है, और वो एक्चुअली पहले था भी नहीं, तो सौमित्र को प्रपोज किया, उसको आइडिया बहुत अच्छा लगा, गाना बहुत अच्छा लगा, टीम को बहुत अच्छा लगा, एंड गाने का नाम है चालबाजी, रिलीज हो चुका है, आप बिल्कुल सुनिएगा. थैंक यू. थैंक यू. मैंने सीख लिया है कि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखो, क्योंकि फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग बनी है. हमने काफ़ी टाइम पहले, थोड़े टाइम पहले एक्चुअली शूट की थी, तो लेट हो गई. बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, बहुत सौमित्र ने बहुत अच्छा काम किया है, एज अ डायरेक्टर सब ने एक्चुअली बहुत अच्छा काम किया. संजय सर इज एक्साइटमेंट है कि फाइनली यू नो
फिल्म रिलीज होती है हमारी एंड एक्सपेक्टेशन की जहाँ तक बात है आई होप ऑडियंसेस को अच्छी लगे. बहुत मेहनत करके फिल्म बनाई, हर फिल्म मेहनत से ही बनती है बट थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी यू नो इंट्रीगिंग है, इंटरेस्टिंग है, तो होपफुली इट विल बी वेरी गुड एंड ऑडियंस विल एक्सेप्ट. थैंक यू. पोस्टर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. मैंने फिल्म देखी नहीं है बट आई ट्रूली बिलीव इन सौमित्रा द डायरेक्टर. उनके साथ मैंने पहले काम किया है एंड आई थिंक ही इज अ वेरी थॉटफुल डायरेक्टर, तो अच्छा ही बना होगा. आई एम ऑल्सो सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम सो आई थिंक ऑल द बेस्ट टू हिम. ऑफकोर्स आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आज इन टुडेज डे ने जब भी फिल्म बनाना ही बहुत मुश्किल है और फिल्म बना के वो रिलीज कर रहा है, इट्स अ वेरी बिग थिंग एंड आई थिंक एवरीवन शुड सपोर्ट हिम. आई एम हियर टू सपोर्ट हिम, दैट्स ऑल. थैंक यू. मुझे उससे ट्रेलर दिखाया था परसों इसने मुझे ट्रेलर दिखाया एंड आई वाज क्वाइट इंप्रेस्ड और मुझे लगता है कि काफ़ी प्रॉमिसिंग होगी ये फिल्म. सो आई एम जस्ट हियर टू विश हिम टू गिव हिम माय बेस्ट विशेस एंड हग्स. शिद्दत से देखने आया ताकि टाइम पे पहुंच जाऊं, इसीलिए आप सबका वेट करते करते और बैठे तो नहीं संभाल लेता. किसका कौन सा दिख रहा है भाई, देख लो. हाँ, बहुत जगह नहीं छोड़ी बैठा. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हाउस ऑफ लाइज, सौमित्रा की फिल्म है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड. आई हर्ड बहुत अच्छी बातें सुनी है मैंने, तो अब तो देखने के बाद आप सबसे मुलाकात होगी तो बताऊँगा कैसी. डेफिनेटली बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत मेहनत की हम सब लोगों ने, ऐसा फील करके काम किया कि जैसे हमारी अपनी ये एक फिल्म है. मेरा कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग था. आई एम प्लेइंग एन ईडी और थोड़ा थोड़ा जैसा मेरा और संजय का टिप है फिल्म में एंड इट इज़ बीन अ ग्रेन जर्नी एंड आई लव वर्किंग विद दिस डायरेक्टर. ही इज़ अमेजिंग, मतलब इतना स्मूथली सारा काम हो गया और बड़ा मज़ा आया. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. संजय वेरी कम्फर्टेबल, मतलब मेरे ज़्यादातर सीन्स संजय के साथ ही थे और बहुत कंफर्टेबल, मतलब ऐसे लगा नहीं कि मतलब वे वर्किंग विद अ सेलिब्रिटी, तो बहुत कंफर्टेबल उन्होंने फील करवाया. हम लोग सीन्स क्रिएट करते थे साथ में और अब ऐसे करना है वैसे करना है, तो मतलब बहुत अच्छा और स्मूथली सारा का सारा निकल गया, बहुत अच्छा काम हुआ है. एंड वी हैव अ वेब सीरीज कमिंग अप, सो यू नो वर्किंग विद संजय सर, having him in our web series, it was a wonderful opportunity, so I'm very excited to see this film as well. Thank you so much. Thank you. क्योंकि अगर मैंने सस्पेक्ट बता दिया तो पूरी फिल्म का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ हैं, आई होप आप सब फिल्म देखेंगे और जितना सस्पेंस हम सबको था कि सस्पेक्ट कौन है, उतना ही आपको भी होगा कि सस्पेक्ट आखिर है कौन. पता नहीं, ये भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है. बहुत मज़ा है एक्चुअली यंग डायरेक्टर्स के साथ काम करने का, बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है बिकॉज वो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ काम करते हैं और सौमित्र की वो बहुत अच्छी बात है कि कोलैबोरेटिव अप्रोच में हमने काम किया. इनफैक्ट हमने फिल्म कोविड के दौरान शूट की थी और उसके बावजूद भी, सारी मुश्किलों के बाद भी, एकदम एज अ फैमिली हम सब ने इस पर काम किया एंड I'm so happy that the film is releasing. Thank you. जो House of Lies फिल्म है वो हमारी कंपनी सबरा पिक्चर्स एज ए प्रेजेंटर है. हमारी कंपनी ने इसको G5 को हमारी कंपनी के थ्रू फिल्म डिस्ट्रीब्यूट हुई है. हम चाह रहे हैं इसका प्रमोशन डिजिटली ऐसा हो कि प्योर ऑडियंस तक पहुँचे और वो रीच मिले जो कॉन्टेंट में दम है उस वैसे.
मेरी कंपनी है सबरिया पिक्चर्स, तो 2012 से फिल्म प्रोडक्शन हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन हाउस है। हम फिल्में प्रोड्यूस भी करते हैं लाइक टू गुजराती एंड हिंदी फिल्म्स, एंड डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं ऑल ओटीटीज एंड थिएटरिकल डिस्ट्रीब्यूशन लाइक टू नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, जियो सिनेमा, जी फाइव इटीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस वक्त तो बहुत डरी हुई हूँ पर बहुत एक्साइटेड भी हूँ कि इस मोड पे 20 साल बाद मैं वापस आ रही हूँ, और किरदार भी सौमित्र ने इतना अच्छा लिखा है और डायरेक्ट किया है कि आपको भी मज़ा आएगा, मुझे निभाने में भी बहुत मज़ा आया था। संजय कपूर जी इज टू मच फन, मतलब ही इज़ ऑलवेज स्माइलिंग एंड ही इज़ ऑलवेज मेकिंग एवरी वन फील कम्फर्टेबल, तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि उनके साथ काम करने का, ऋतुराज जी के साथ काम करने का और इस फुल यूनिट के साथ काम करने का मौका हमें तब मिला जब लोग काम नहीं कर रहे थे कोविड के वक्त। मैं ये कहना चाहूँगा कि सिमरन और सौम ने क्या काम किया, इससे अच्छा काम किसी का नहीं है और मज़ा आ गया। नो बट जोक्स अपार्ट, नॉट जस्ट बिकॉज आई नो देम, मैंने ट्रेलर देखा, मुझे बहुत स्लिक लगा, मुझे थ्रिल जो आया वो डायरेक्शन में से निकल के आया, एंड द राइटिंग इज़ अमेजिंग। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि कितने अच्छे से ये बनी है, मैं जानना चाहता हूँ। एंड जी फाइव पर मेरी खुद की फिल्म आ चुकी है, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। अभी को बुलाऊंगा, सब बता दूंगा। हियर टू सपोर्ट माय फ्रेंड सिमरन, जिन्होंने बहुत अच्छा किरदार किया है मूवी में। लेट्स सी, मूवी के बाद हम आपको अच्छे रिव्यूज देंगे। थैंक यू। सौमित्र के साथ एक बहुत प्यारी फिल्म की थी द वॉलेट, उसके बाद से सौमित्र की जर्नी देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत और बहुत ही इम्प्रेसिव जर्नी है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई एम श्योर बहुत अच्छी फिल्म होगी ये। थैंक यू। हाँ जी, बहुत सारा काम किया है काफ़ी समय से, और क्या बोलूँ, कुछ फिल्म लास्ट ईयर शूट किया था, इस साल रिलीज हो गई। थैंक यू। थैंक यू। फर्स्टली मैंने ट्रेलर देख लिया ऑलरेडी एंड द ट्रेलर इज सो गुड, सो कैप्टिवेटिंग। मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट जॉनर है जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो और बहुत कुछ हो, और संजय कपूर सर की यू नो इट्स हिज यू नो फिल्म, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू वॉच। ऑल्सो माई फ्रेंड सौमित्र, ही इज डायरेक्टेड द फिल्म एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, मैंने उसका प्रीवियस काम देखा हुआ है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आई एम डेफिनेटली श्योर दैट इट्स गोइंग टू बी अ बिग हिट। थैंक यू।